तो भाई फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है ना। आप काफी दिन से एक ही बार बार कमेंट कर रहे थे भैया ग्राफ नहीं समझ में आया, मोशन का ग्राफ आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, चीजें मुझे नहीं समझ में आई है ना। काफी बच्चे होंगे जिनको ऑलरेडी भाई समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें होती है, बट अगर नहीं समझ में आई है ये फुल वीडियो आपकी बेसिक से एडवांस लेवल तक आपके लिए जितना रिक्वायर्ड है एनटीएससी के लिए पूरी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा है ना। बेसिक से चलेंगे अपन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहां एडवांस लेवल एनटीएससी की रिक्वायरमेंट है वहां तक करने वाले हैं, ठीक है। अब जिसको आता है भाई वो सीख ले, अगर नहीं आता है देन सीख ले, अगर आता है तो रिवाइज कर ले, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19, दिस इज कुणाल। तो आज स्टार्ट क्या करने वाले भाई, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे है ना, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया नहीं समझ में आया मुझे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे डील करें, ग्राफ के प्रॉब्लम्स। आप देखो हर साल आपको एक प्रॉब्लम तो ग्राफ का मिलने वाला ही है, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो आप हर जगह चेक करो, जाके सारे जगह चेक करो भाई, आपको हर जगह एक प्रॉब्लम एटलीस्ट मिलने ही वाला है ना। एक प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगा जो एनटीएससी से आएगा, जो ग्राफ एनटीएससी से पूछता है, ठीक है, जो एनटीएससी ग्राफ में से पूछता है एक प्रॉब्लम तो आपको मिलने वाला है। तो भाई क्यों हम अपना एक प्रॉब्लम लूज करें है ना, छोटी सी चीज है पढ़ लेते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। बेसिकली अब ग्राफ होता क्या है ना, ग्राफ होता क्या है, हम क्यों बनाते हैं और बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें इससे समझ में आती है। तो सबसे पहली बात भाई ग्राफ होता क्या है, हम जो मोशन करते हैं, ठीक है, हम किसका ग्राफ पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ ऑफ बॉडी, ठीक है। मोशन ऑफ बॉडी को जब आप इन टर्म्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, उसकी स्टडी हमें आज करने वाली है। जो मोशन हमारी बॉडी करती है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे मोशन, अगर बॉडी मोशन करे, लाइक मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक आया, अब मेरी बॉडी ने हो सकता है पोजीशन चेंज किया हो, कुछ स्पीड चेंज किया हो, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में किया हो, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसी चीजों का पढ़ते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ग्राफ देखो, ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसा होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कि ग्राफ किसका किसका हमें बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसा होता है, हमें जो फिजिक्स के लिए भी ग्राफ जरूरत है, अभी 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो डायमेंशंस होंगे आपके, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इधर वाली वैल्यू आप जब इस स्केल पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होता है किसी भी ग्राफ के लिए आपका क्या होता है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, किसी भी ग्राफ के लिए आप बात करोगे ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इसे कभी कभी भाई कुछ लोग बोलते हैं, थोड़ा सा जो तेज लोग होते हैं वो इसे ओरिजिन भी बोल लेते हैं, ठीक है, वो इसे ओरिजिन भी बोलते हैं, तो आप इसे ओरिजिन भी बोल सकते हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं या फिर ओरिजिन, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो देखो ये दोनों एक्सिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आपकी बात करें आप इस साइड मूव कर रहे हो, ठीक है, इस एक्सिस पे, तो देखो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करिए, पहले ये 1 हमने मान रखा, ये 2 मान रखा है ना, ये 3, तो हमने मार्क करके रखा है कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, हो सकता है कि ये एक्सिस को हम टाइम की तरह ट्रीट करें कि इस एक्सिस पे जो भी वेरिएशंस होंगे हमारे टाइम में होंगे। अब इस एक्सिस पे हो सकता है कि ये डिस्टेंस में हो, ठीक है, डिस्टेंस में हो रहा हो, या फिर आपकी वेलोसिटी में हो रहा हो, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन में हो रहा हो। तो ये एक्सिस जो है भाई, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर इस एक्सिस में इंक्रीमेंट होगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस एक्सिस में इंक्रीमेंट होगा, ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखता है। अब बात करते हैं भाई कि हम जब चलते हैं, ठीक है, हम जब चलते हैं मोशन होती है बॉडी की, तो वहां पे क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं भाई, क्या क्या चीजें जो चेंज होती हैं, पहली तो हमारी जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज होती है। तो पहला ग्राफ हम किसका पढ़ेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है, हमारी हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी मोशन कर रही है, ये तो बस ऑब्वियस है कि मोशन का ग्राफ पढ़ रहे तो मोशन हमारी बॉडी करेगी, ठीक है, मोशन तो करेगी। अब मोशन जब कर रही है बॉडी, ठीक है, जब मोशन हमारी बॉडी कर रही है तो वो पोजीशन चेंज कर रही होगी, मींस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना,
और हमने मोशन कुछ पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बॉडी हमारा मोशन ही ना कर रही हो, रेस्ट हो, है ना। जितने भी केसेस पॉसिबल है सबके ग्राफ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलो सबसे पहला ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो हम क्या मान रहे हैं, ये वाली एक्सिस जो है हमारी वो हमें डिस्टेंस दे रही है, ठीक है, ये वाली एक्सिस हमें डिस्टेंस दे रही है और ये वाली एक्सिस क्या दे रही है भैया हमें, टाइम। तीनों के केस में ये डिस्टेंस दे रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रही है, ये क्या दे रही है, टाइम दे रही है, ठीक है, ये वाली फिर से हमें डिस्टेंस देने वाली है और ये वाली क्या देने वाली है, टाइम, ठीक है। ये सेकेंड में मान लो, ये कुछ मीटर में मान लो, ठीक है, सेकेंड मीटर में। अब देखो पहले तो मैं यहीं से कंफर्म कर दे रहा हूं, आपको जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूं चीजें, जितनी भी क्वेश्चंस आपके आए हुए एनटीएससी में, वो क्वेश्चंस इनसे ही लग जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बताऊंगा उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप बस इतने से ही पढ़ाई करो और चीजें समझते जाओ। चलो तो बात करते हैं मोशन, ठीक है। अब आपकी बॉडी यहां से, ये कुछ आपकी बॉडी थी, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे आपकी ओरिजिन पे थी, ठीक है, t is equal to 0 पे x is equal to 0 मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ये x है, ठीक है, ये वाली एक्सिस में जितना बढ़ोगे, t is equal to 0 पे आपकी बॉडी x is equal to 0 थी, फिर कुछ t is equal to 1 पे ये x is equal to 1 चली, फिर अगले t is equal to 2 पे ये x is equal to 2 चली, ठीक है ना। t is equal to 1 पे x is equal to 1 चली, इट मींस आप 1 पे 1 डिस्टेंस की बात करो, t is equal to 1, ठीक है, ये टाइम है आपका 1 सेकेंड बाद ये 1 मीटर चली, मतलब दोनों को अगर कॉन्साइड कराना होता है, ठीक है, आप अगर वैल्यू दोनों एक साथ लेते हो तो आपको पॉइंट कौन सा वाला मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा दोनों के लिए जो पॉसिबल हो, जहां से आप देखो किसी भी पॉइंट से आपको वैल्यू निकालनी हो इस एक्सिस की, तो आप उसके परपेंडिकुलर डालोगे, तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी। तो ये x is equal to 1 वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये t is equal to 1 वाला इसके परपेंडिकुलर है ना। अब इसके बाद ये क्या हुआ, t is equal to 2 पे x is equal to 2 मीटर चली, तो ये t is equal to 2 पे x is equal to 2 चली, तो फिर ये वाला पॉइंट मिला कॉमन पॉइंट जो दोनों को कॉन्साइड कर रहा है। ऐसे ही फिर t is equal to 3 पे ये x is equal to 3, आप देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन का केस है भाई, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। बट आप ग्राफ बनाने से पहले जो भी पॉइंट्स आपके कॉन्साइड किए हैं, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट है आपका सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि दोनों इनिशियली जीरो थे, तो आप इसको मिला दोगे अगर ये, ठीक है, ये ग्राफ जो आपको मिलेगा वो किसका मिलने वाला है, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी इंटरवल के लिए लोगे, ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा हर इंटरवल के लिए सेम होने वाला है, तो ये ग्राफ आपका किसका होगा, यूनिफॉर्म मोशन का। अब बात कर रहे हैं भैया, कुछ बच्चे बोले कि अब हमारी बॉडी चली नहीं रही है, ठीक है, हमारी बॉडी चली नहीं रही है, रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है ना, तब क्या कैसा ग्राफ होगा हमारा जब बॉडी हमारी रेस्ट पे है। तो देखो इसमें भी कुछ समझने वाली चीजें हैं, जैसे आपकी बॉडी t is equal to 0 पे मान लेते हैं किसी x is equal to 3 मीटर पे रेस्ट कर रही थी, ठीक है, फिर t is equal to 1 पे ये फिर से x is equal to 3 पे थी, फिर t is equal to 3 पे मान लेते हैं फिर से x is equal to 3 पे थी, ठीक है। तो देखो 0 पे भी वो 3 पे थी, मतलब 0 से अगर आप लो तो ये 3 पे थी, ये वाला कॉमन पॉइंट, फिर आपका t is equal to 1 पे भी ये 3 पे थी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, फिर t is equal to 3 पे भी x is equal to 3 पे थी, ये वाला पॉइंट मिला था और ये वाला। अब देखो स्टार्टिंग से आप मिलाते जाओगे तो ये ग्राफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग पे कहां थी, t is equal to 0 पे ये 3 पे थी, फिर इसके बाद पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, बस टाइम चेंज हो रहा है, मतलब आपकी टाइम आप बढ़ाते जाओ बट पोजीशन वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो x is equal to 3 पे ही आपका पार्टिकल रुका हुआ है। तो आप बोलोगे कि ये वाला जो ग्राफ हमारा वो रेस्ट में है, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप बोलोगे कि बॉडी हमारी कहां भी आ,
रेस्ट में रखी हुई है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। आप कैसे बोल पा रहे हो, क्योंकि पोजीशन आपका हर केस में x इज इक्वल टू 3 है, बट टाइम ओनली चेंज हो रहा है ना, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब तीसरा केस क्या होता है, यूनिफॉर्म पढ़ लिया हमने, रेस्ट वाला पढ़ लिया। एक केस होता है भैया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस केस में क्या होता था कि बॉडी हमारी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती थी, है ना, यही होता था। चलो मानते हैं टी इज इक्वल टू 1 पे वो 1 थी, ठीक है। अब इसके बाद टी इज इक्वल टू 2 पे वो 3 पे आ गई, ठीक है, ये 1 पे थी, फिर 3 पे आ गई, फिर 4 पे कहां चली गई, 4 में आ गई। आप देखो मान लेते हैं ये कुछ 6 में आ गए, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमारी 6 में आ गई। तो आप बोलोगे कि आप इसको अगर मर्ज कराते हो भैया तो ये ऐसा कुछ जा रहा है ना। अगर आपको ऐसा ग्राफ कहीं पे भी मिले, ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये वाला, तो आप क्या बोलोगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसे, आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। इसका सीधा मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, ऐसा ग्राफ अगर आपको किसी भी केस में मिले तो वो किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ की रीडिंग कर सकते हो। कैसे, कि t इज इक्वल टू 1 पे देख लो वैल्यू, t इज इक्वल टू 1 पे 1 आई, फिर t इज इक्वल टू 2 पे देख लो तो 3 आ गई, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड क्या था, 1 मीटर, बट अगर आप बात कर रहे हो नेक्स्ट 1 मीटर में तो वो कितना चल रही, 2 मीटर। इट मीन्स जो इक्वल तो दोनों नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है। आप बोल रहे हो कि हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड आपका चेंज हो जा रहा है ना। अगर डिस्टेंस कवर्ड चेंज हो रहा है, इट मीन्स भैया कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, सिंपल बात। चलो अब आगे बात करते हैं, कुछ हमारी ऐसे ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं कभी कभी कि स्लोप पे देखने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का पढ़ लिया हमने कि यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा देन क्या होगा। तो ये ग्राफ देख के आप क्या बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका मिल रहा है, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, यूनिफॉर्म है। अब इसके बाद बात करते हैं, आप देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम आप क्या जानते हो कि जो वेलोसिटी होती है आपकी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही होती थी, है ना, यही होती थी। अब यहां पे बात करते हैं, जब भी ऐसे ग्राफ आपको मिलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्राफ मिलता है आपको, तो यहां पे जो इस ग्राफ में ऐसे ग्राफ आपको कहीं पे भी अगर भाई मिल जाते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके जो स्लोप होते हैं, ठीक है, जो स्लोप होते हैं वो क्या देते हैं भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपका वेलोसिटी देता है। अब कैसे देता है समझ लेते हैं, अगर मैथ आपने पढ़ी होगी, मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा 1, ठीक है। अब किसी एक टाइम पे मान लेते हैं ये वाले पॉइंट पे ये टी 1 थी और ये क्या था हमारा एक्स 1, ठीक है। अब अगर बात करें इसके स्लोप की, देखो स्लोप की बात करें अगर, तो टेन थीटा 1 क्या होगा हमारा, स्लोप की बात करें तो ये तो हो गया एक्स 1, ठीक है, ये तो हो गया एक्स 1 भाई, है ना, ये वाली वर्ड परपेंडिकुलर, अब अपॉन क्या जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया टी 1, तो आप बोलोगे एक्स 1 बाई टी 1, तो क्या यही है ना, ये 0 थी, एक्स 1 माइनस 0 अपॉन कर दो टी 1 माइनस 0, 0 से आपने देखा ना, 0 के रेफरेंस में, ठीक है, 0 से बॉडी चल के आपकी एक्स तक गई थी, फिर उसके बाद 0 से चल के कहां तक गई थी, टी 2 तक, ठीक है, टी 1 तक, या फिर आप बात कर लो इस पॉइंट की। तो हर केस में सेम वैल्यू मिलेगी आपको, जो टेन थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स 1 बाई टी 1, और आप जानते हो कि वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती थी। मतलब आप ऐसे ग्राफ में कभी भी स्लोप निकालोगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी हर केस में, ठीक है, हर केस में यही मिलेगी बस। अब इसके बाद अगर ऐसे केसेस में आपको मिलती है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर मिलती है, इसके बाद आपने क्या समझा कि भाई बेसिकली हम स्लोप अगर लेते हैं तो वो हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी। बट आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ऐसे केसेस में कि दो, एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये ए वाला, तो इसका थीटा 1 मान लेते हैं, इसका कुछ थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला जाए
किस केस में वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी, ठीक है, किस केस में वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो आप क्या जान रहे हो, हर केस में आपका टेन थीटा भाई यही वी होता है, ठीक है, यही वी होता है। अब जिसमें टेन थीटा ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, वही हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब भी आपको मिले, ये केस कहीं पे भी मिले, तो सिंपली आप स्लोप देखोगे। ठीक है, स्लोप देखोगे तो स्लोप इसमें देखो थीटा वन ज्यादा है या थीटा टू, तो आप बोलोगे थीटा टू ज्यादा है भाई, एंगल हम नाप सकते हैं। ठीक है, एंगल हम नाप सकते हैं कि थीटा टू हमारा ज्यादा है। ठीक है, अगर थीटा टू ज्यादा है तो आप जानते हो कि टेन थीटा टू भी ज्यादा होगा टेन ऑफ थीटा वन से। अगर ये ज्यादा है तो आप बोलोगे कि थीटा टू हमने ए माना था, तो वी ए ज्यादा होगा हमारा वी बी से। अगर आपको इसको समझना है कैसे, तो आप समझ लो किसी एक कॉमन पॉइंट के लिए एक्स ले लो, ठीक है, किसी एक कॉमन पॉइंट के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये एक्स वन मिलेगा और ये वाला क्या मिलेगा, एक्स टू मिलेगा। ठीक है, समझ लो कैसे। अब टेन अगर थीटा वन की वैल्यू लिखोगे तो एक्स वन बाई टी, ठीक है, अगर ये टी मानते हैं हम, और टेन थीटा ऑफ टू लिखते हैं तो ये एक्स टू बाई टी। आप देख सकते हो एक्स वन और एक्स टू में कौन बड़ा है भाई, एक्स टू बड़ा है एक्स वन से, तो जो बड़ा होगा, ठीक है, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, जो ऊपर वाली क्वांटिटी अगर बड़ी होती है हमारी तो उसकी ही वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो जिसमें आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें आप सेम टाइम में जिसमें आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट मींस जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसे ग्राफ अगर गिवन हो और आपसे बोला जाए उसकी स्लोप देख के बताइए, ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब एक चीज, मैं लास्ट चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो आपको अगर स्लोप लेते हो तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, अगर आपको ग्राफ गिवन हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो देन आपको अगर इसका स्लोप लेते हो आप, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ये करते हो आप तो एक्सेलरेशन मिलने वाला है। अगर जस्ट इसका मान लेते हैं कि हम वर्सेस टाइम गिवेन हो, ठीक है, वर्सेस टाइम गिवेन हो, और इससे अगर आप रिवर्स जाते हो, ठीक है, ये वाला रिवर्स जाते हो, तो आप क्या करोगे, एरिया लेगो, तो आपको जस्ट रिवर्स वाला प्रोसेस मिल जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको आगे समझ में आ जाएगी कैसे होता है, बट ये आप यहीं पर रिमेंबर कर लो कि आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको स्लोप लेना होगा, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम से आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको स्लोप लेना होगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम से आप अगर स्लोप लेते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। बट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है, उसका एरिया लोगे आप जितना आपको रिक्वायर्ड होगा, तो वो क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया लेते हो तो वो डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, बात समझ में आई कि वेलोसिटी आपका क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, बट स्पीड क्या देगा, डिस्टेंस। चलो अब इसके बाद की बात कर लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो पहला हम क्या मान लेते हैं कि बॉडी आपकी क्या है, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो तीन केसेस पॉसिबल हैं, आपकी स्पीड हो सकता है एक कांस्टेंट हो, आप किसी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, या फिर आपकी स्पीड एक लीनियरली वेरी कर रही हो, लीनियरली चेंज हो रही हो, दो केस। तीसरा केस क्या हो सकता है, कभी आपने 5 किलोमीटर तेजी से चला, फिर अगला उससे भी तेजी से चला, है ना, तो आपकी स्पीड चेंज हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलो ये वाली भी केस समझ लेते हैं। आपको v वर्सेस t का ग्राफ गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। अब इस केस में अगर आपसे बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है,
ठीक है, मान लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो पे v हमारी क्या थी 3, फिर t इज इक्वल टू 2 पे फिर से हमारी v क्या निकल गई 3, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। फिर t इज इक्वल टू 3 पे v इज इक्वल टू 3 मिला, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा बट वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, जीरो पे आपकी क्या थी 3 थी, अब इसके बाद आप जैसे 2 पे गए वहां पे भी 3 मिली, ठीक है 2 वाले पे भी 3 मिली, अब इसके बाद 3 वाले पे भी आपको 3 मिली, तो आप सारे पॉइंट्स जोड़ दो। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप जोड़ दो तो मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ऐसा मिलता है आपको, इट मींस कि आपकी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि रेस्ट में है, ठीक है रेस्ट में, देन आपको ये वाली एक्सिस मिलेगी, क्योंकि इसी एक्सिस, ये वाला पॉइंट क्या है, आप इस एक्सिस पे चलोगे तो v की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इस एक्सिस पे अगर चलोगे तो v की वैल्यू क्या होगी आपकी, हर केस में 0 होने वाली है। ठीक है, हर केस में 0 होने वाली है। आप कहीं पे भी जाओ, t तो बढ़ रहा है बट v नहीं बढ़ रहा, और क्या v है क्या यहां पे, एक्चुअली 0, बट v की वैल्यू यहां पे क्या है 3। आपने यहां पे केस ही माना था ना कि आप t इज इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी आपकी 3 थी, मतलब जब आप स्टार्ट किए थे, ये स्टार्ट पॉइंट होता है। ठीक है, जीरो आप कभी भी लेते हो स्टार्ट पॉइंट। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो t इज इक्वल टू 0 पे v भी मान लो 0 था, फिर t इज इक्वल टू 1 पे v भी हमारा 1 हो गया, फिर t इज इक्वल टू 2 पे v भी हमारा 2 हो गया, फिर t इज इक्वल टू 3 पे v भी हमारा 3 हो गया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यही होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कि आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, ठीक है एक्सेलरेटेड है भाई तो वेलोसिटी में चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर रिटार्डेड है तो वेलोसिटी घटेगी, बट अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है इट मींस वेलोसिटी हमारी बढ़ने वाली है हर इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, हर टाइम में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ दी जाएगी। ठीक है, तो सेम केस यहां पे होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 पे 0 थी, फिर 1 पे 1 थी, ठीक है ये थी, फिर 2 पे 2 थी ये वाला पॉइंट, फिर 3 पे 3 थी। तो आप इसको अगर मिला दोगे तो कुछ आपका ग्राफ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, अगर v वर्सेस t का ग्राफ आपको गिवन हो, ऐसा ग्राफ अगर आपको गिवन हो, तो आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ आ रहा है ये किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब आपकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है हर टाइम इंटरवल में विथ सेम अमाउंट। ठीक है, मतलब आपकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड है, अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेटेड है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसके बाद बढ़ तो रही है, ठीक है बढ़ रही, अब कितना बढ़ रही है, हर इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट से बढ़ रही है, तो आप बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कभी ज्यादा बढ़ गई कभी कम बढ़ी, कभी बढ़ ही नहीं रही है ना, तो ये नहीं है, वो कभी कम ज्यादा नहीं, इक्वल अमाउंट से बढ़ रही। ठीक है, इक्वल अमाउंट से। अब तीसरा केस कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेट तो हो रही है बट कोई फिक्स रेट नहीं, कभी 1 मीटर से बढ़ गई। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे v भी हमारा 0 था, फिर t इज इक्वल टू 2 पे v हमारा 3 हो गया। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू 3 पे v हमारा 5 हो गया। तो इसको आप डायग्राम यहां बना लो, 0 पे 0 थी, 2 पे 3 थी, ठीक है अब 3 पे 5 हो गई। तो आप इसको अगर मिलाओगे भाई तो ऐसा ग्राफ आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन, ठीक है अगर आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बॉडी का, मतलब कभी कम ज्यादा है ना, फिक्स रेशियो में नहीं वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ तो रही है। ठीक है, बढ़ तो रही है, एक्सेलरेटेड है तो बढ़ेगी, बट कोई फिक्स रेट नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि स्लोप लोगे, ठीक है वी वर्सेस टी का लोगे तो स्लोप आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब आप स्लोप से भी चेक कर सकते हो भाई कि किसका कम होगा किसका ज्यादा। यहां पे देखो स्लोप हर केस में आप देखोगे, किसी भी केस के लिए अगर थीटा देखोगे, थीटा वेरी नहीं कर रहा है, टेन थीटा आपका क्या है भाई, वो क्या है कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में आप क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है आपका, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा भी आपका जीरो होगा। स्लोप अगर आप लोगे यहां पे तो ये पैरेलल है ना भाई एक्स एक्सिस के, तो यहां पे ये क्या होगा, जीरो। ठीक है,
एक्सेलरेशन इस केस में जीरो, एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट, इस केस में एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्लोप हर जगह क्या होगा, चेंज होगा। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये थीटा टू होगा, ठीक है, ये थीटा वन, अब ये थीटा थ्री। तो आप जिस जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ाते जाओगे थीटा आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, थीटा आपका बढ़ता जाएगा। तो आप जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा भाई टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, टेन थीटा आपका इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे टेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। अगर वीटी ग्राफ है तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर एक्सटी ग्राफ है देन आपको अगर स्लोप लोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चलो आई होप इतना अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर रिटार्डेड मोशन है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या भाई, एक्सेलरेशन हमारा जहां पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव, मैं ये भी समझा देता हूं, एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव, ठीक है, और रिटार्डेड का मतलब एक्सेलरेशन आपका निगेटिव, ठीक है। जहां पे वेलोसिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है वो केस एक्सेलरेटेड होता है, जहां पे वेलोसिटी हमारी घटती है वो रिटार्डेड होता है। बढ़ने इन द सेंस आप एक्सेलरेट कर रहे हो, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, सबको पता है। बट वेलोसिटी घटाते हो, जब ब्रेक लगाते हो आप रिटार्ड करते हो, ठीक है, आप वेलोसिटी को कम करते हो, तो वही केस है कि जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन जब निगेटिव है तो मतलब वेलोसिटी घटती है, ठीक है। अगर ऐसे केसेस आपको दे दिए जाए और आपसे पूछ दिया जाए भाई, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि भैया कहां पे एक्सेलरेटेड कितनी दूर है, कितनी दूर आपका रिटार्डेड है, तो आप बताइए, ठीक है, आप बताइए कितने दूर एक्सेलरेटेड है, कितने दूर रिटार्डेड है, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं, यहां पे आपकी जहां पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगी, ठीक है, जहां पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अगर वीटी का ग्राफ यहां पे गिवन है, ठीक है, यहां पे हमें वीटी का ग्राफ गिवन है, हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी तो रिटार्डेड। तो आप यहां पे देखो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, इतने दूर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप बोलोगे ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है, घट नहीं रही है। अगर घटती वेलोसिटी आप कैसे पता लगा सकते हो, पहले देखो क्या थी, जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये माइनस टू थी, बट जैसे ही वन हुई माइनस जीरो हुई, ठीक है, फिर इसके बाद टू पे क्या हुई, मान लो टू पे ये थ्री पे आई, है ना, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे थे थ्री तक जाते जाते ये सिक्स हो गई थी, शुरू माइनस टू मतलब इस डायरेक्शन से हुई थी वेलोसिटी, फिर बाद में इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, ये आगे कुछ गई, v इज इक्वल टू जीरो हुआ, रुकी बॉडी, ठीक है, जैसे आप ये खड़े हो t इज इक्वल टू जीरो पे, आप इधर चल रहे थे विथ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड, इस केस की बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, ठीक है, आप कुछ दूर चले फिर वेलोसिटी आपकी जीरो हुई, फिर आप बैक करके इस डायरेक्शन में चलने लगे, यही केस है भाई आपका ये वाला, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी ऐसे ऐसे स्टार्ट हुई, बढ़ना स्टार्ट हुई, आप बोलोगे एक्सेलरेटेड, बट यहां पे वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, आप जानते हो इसका स्लोप लोगे तो वो क्या आएगा, स्लोप मतलब डीवी बाई डीटी या फिर टेन थीटा जीरो, और वो क्या होता है एक्सेलरेशन, मतलब ये क्या है एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, एक्सेलरेशन है जीरो, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, इतने दूर वाला आपका क्या है यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे वेलोसिटी आपकी क्या है कांस्टेंट हो गई है, और वो पूरे इंटरवल के लिए v इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अब इस केस की बात करें, अब यहां से जब टाइम 5 से आपका 6 तक चला, ठीक है, 5 से आपका 6 तक चला, तो आपकी वेलोसिटी 6 से क्या हो गई, जीरो, ठीक है, मतलब एक सेकेंड आपने इधर ट्रेवल किया तो आपकी 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी घट के जीरो हो गई, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिटार्डेड मोशन, ठीक है।
मतलब हम 6 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, हमने ब्रेक लगाया, एक सेकंड में हम रुक गए, ठीक है। वेलोसिटी जीरो मतलब आप हर समय एक फील ले लिया करो कि रेस्ट, ठीक है। मतलब आप चल रहे थे, आप अपनी बाइक चला रहे थे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वाली आपने जस्ट ब्रेक अप्लाई किया और तुरंत आप गिर के कहां पे आ गए, जीरो पे, ठीक है। अगर ग्राफ एक बार चीजें समझ में आने लगी भाई आपको, तो काफी आसान हो जाती है सारी चीजें करना, ठीक है ना। तो चलो मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूं इस पे, ठीक है। ऐसे भी आपको ग्राफ मिलेंगे। अब देखो यहां पे देख लो आप, ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का केस ऐसा आपसे पूछा जाता है, ऐसे काफी बार प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम था तो हम सिंपली बता दे रहे थे भाई कि एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेड होगा या फिर एक्सेलरेटेड होगा मोशन। बट अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम दे दिया जाए और आपसे पूछा दिया जाए भाई रिटार्डेड है कि आपका एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल नहीं लगाना हमें कॉन्सेप्ट, सिंपल सा बेसिक से हम चले थे, बेसिक तक ही जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में क्या है भाई, डिस्टेंस चेंज तो होगी, ठीक है, दोनों केस में चेंज होगी डिस्टेंस, है ना, दोनों में चेंज होगी। बट वेलोसिटी पे इफेक्ट क्या था, उसमें हमारी वेलोसिटी एक में इंक्रीज कर रही थी, एक में क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। ये बात समझ में आई कि एक में वेलोसिटी हमारी एक्सेलरेटेड में क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी, इसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा था, ये वेलोसिटी को घटाता नहीं है, मतलब आप ब्रेक नहीं एक्सेलरेटर घुमा रहे हो। बट रिटार्डेशन में वेलोसिटी आपकी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, है ना, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही थी। अब आप जानते हो कि कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप लोगे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये कुछ थीटा वन था, ये कुछ थीटा टू था, ये कुछ थीटा थ्री था। आप देख के एक अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि ये थीटा काफी छोटा था, फिर बढ़ते क्या रहा है, मतलब थीटा वन से बड़ा था थीटा टू, फिर उससे ज्यादा क्या था थीटा थ्री, ठीक है, सिंपल सा केस है ये। देखो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा स्लोप लेना, ठीक है, स्लोप लेना तो आप चीजें नहीं समझ पाओगे थोड़ी सी, बट ये समझो स्लोप क्या होता है भाई, टेंजेंट खींचते हो जहां एक्स एक्सिस पे काटता है उससे एंगल ले लेते हो, वही आपका स्लोप देता है, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहां पे भी लेते हैं, एक पॉइंट हमने क्या लिया, ये वाला एक पॉइंट लिया हमने, ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो इसको फर्दर पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये वाला एक पॉइंट मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये थीटा वन था इस केस में, ये थीटा टू था, और इस केस में ये थीटा थ्री था। आप देखोगे यहां पे क्या जस्ट रिवर्स होगा, थीटा वन जो था वो बड़ा था थीटा टू से, और वो भी बड़ा था थीटा टू थीटा थ्री से। तो आप देखो हर केस में, ठीक है, आप ग्राफ, ये क्या भाई डिस्टेंस वर्सेस टाइम आपका ग्राफ है, मतलब आप डिस्टेंस ऐसे चल रहे हो, ठीक है, ये पाथ है आपका। आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ता आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ती है। तो इस केस में थीटा हमारा क्या था, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी वन के केस में वन वाले पॉइंट पे, ये वन वाला पॉइंट, ये टू वाला पॉइंट और ये थ्री वाला पॉइंट, इस केस में ये वन, ये टू और ये थ्री। तो इस केस में क्या था भाई, वेलोसिटी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर केस में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बट इस केस में क्या है, वेलोसिटी घटती जा रही है, जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ रहा है हमारा, वेलोसिटी घटती जा रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जहां पे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है वो एक्सेलरेटेड, ये वाला ग्राफ क्या है, एक्सेलरेटेड, और ये क्या है, रिटार्डेड। इट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे आपसे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि ये क्या है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और ये क्या है एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको ये वाला ग्राफ ऐसा, ठीक है, इसका ही अगर इसका हिस्सा कभी भी मिले डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, रिमेंबर कर लो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम में अगर इसका कोई भी पार्ट मिले तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। अगर इसका कोई भी एक पार्ट मिले ऐसे ग्राफ का उल्टे नीचे कर्व का, तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव, बट ये डिस्टेंस वर्सेज टाइम का होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है ये रिमेंबर करने के लिए, ये डिस्टेंस वर्सेस
टाइम का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किसी केस में मैंने स्लोप दिखा दिया आपको, आप भी फील कर लेना एक बार बना के कि ऐसे ऐसे तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, तो स्लोप चेक कर लेना। स्लोप क्या, आप धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो तो टाइम बढ़ाओगे तो पहले ये पॉइंट सबसे पहले मिलेगा, ये बाद में, ये उसके बाद में, ठीक है। तो स्लोप किस में बढ़ रहा है किस में घट रहा है तब आपको फील आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं दिखा देता हूं, एक प्रॉब्लम आपको ये वाला करा देता हूं, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। आप जानते हो अगर ऐसा ग्राफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, एक्सेलरेटेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। आप ये सिंपल सी बात है भाई, ये जानते हो। तो इस केस में देखो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ही नहीं, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यही वाला डायरेक्ट सही है भाई कि मोशन हमारा एक्सेलरेटेड है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और मैंने अभी जस्ट जो बताया था ना कि ये डिस्प्लेसमेंट हो या फिर डिस्टेंस, अगर ये वाला आपको कहीं भी मिले एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। आंख बंद करके, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं भाई, ठीक है, इसमें कुछ नहीं सोचने वाली बात है। अगर इस ग्राफ का कोई भी हिस्सा मिलता, मान लो ये ना मिलके आपको ये वाला ग्राफ मिल गया होता, ठीक है, ये वाला, तभी भी आप क्या बोलते कि इसका ये वाला पार्ट है ना इधर वाला, इस केस में भी सेम आंसर हो जाता, ठीक है, अगर ये वाला भी ग्राफ आपको मिलता, ठीक है। आंख बंद करके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लगा दो, सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस की बात करें, ठीक है, इस केस की बात करें, देखो वेलोसिटी आपकी कुछ स्टार्टिंग में क्या थी, ये t इज इक्वल टू जीरो। आप पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करो, अपने से अटेम्प्ट करो, फिर समझो, ठीक है, फिर समझो कैसे फील आई। अगर नहीं फील आई तो फिर बताना भाई, ठीक है ना। बट आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। t इज इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं ये वी ए था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वेलोसिटी हमारी घटती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी घटती जा रही है, इट मींस डी एक्सेलरेट रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो कि रिटार्ड हो रहा है भाई, हमारी बॉडी रिटार्ड हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सही है, डी एक्सेलरेशन मोशन, सही है, डी एक्सेलरेट हो रहा है भाई, हमने रिटार्डेशन मतलब क्या कि डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, है ना, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हैड नेगेटिव वेलोसिटी बियॉन्ड द पॉइंट बी। आप बी के बाद जैसे नीचे आओगे तो आप जानते हो कि एक्सिस में ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, इस ओरिजिन से अगर नीचे आते हो तो ये नेगेटिव, और इस से इधर जाते हो देन ये भी वाला क्या देता है, नेगेटिव। तो आप इसके नीचे अगर ये वी है तो इसके नीचे क्या देगा, ये नेगेटिव। तो आप बोलोगे कि नेगेटिव ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, अगर मोशन वाला आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये आपको करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। अगले लेक्चर में जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी, ऐसा नहीं भाई आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि भाई आप लोग का भी थोड़ा समझना है, बेस बनाना है, तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी आप पूछो, ठीक है, पूछो, कोई बात नहीं, जो चीजें आप पूछोगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, एक ये वाला है, फिर ये है एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है, आप देख के बता दोगे। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम से एक्सेलरेशन चाहिए तो आप उसका क्या लोगे, स्लोप, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप उसका एरिया लोगे, ठीक है। तो जस्ट वही ही बात है, ठीक है, वही बात है। ये वाला भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उस केस में, ठीक है। तो अभी इस पे काम नहीं करना है, ये वाला केस मैंने बताया हुआ है, तो आपको जस्ट स्लोप लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम बेस्ड है, आपको वी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्लोप लेना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये वाला भी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का, ये भी आप देख लोगे, स्पीड जिसमें बढ़ रही होगी, बट वो कैसे बढ़ रही है, अगर मैं भाई देखूं तो मुझे तो पता है, ठीक है,
मैंने बताया हुआ ये ग्राफ बनवाया भी है, तो आप फील कर सकते हो इसको, ऐसे ग्राफ आपको मिलते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो भाई, एकदम मजा आएगा। एक बार जब ग्राफ समझ में आने लगेगा ना तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगती है, ठीक है ना। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, एंड अगेन थैंक यू सो मच। जो भी चीजें नहीं समझ में आई है तुरंत पूछो, कमेंट करो, ठीक है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर ये प्रॉब्लम्स भी कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।